मुजफ्फरनगर के नगर पालिका के वार्ड 19 सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने डोर टू डोर जाकर लोगों से कार पर मोहर लगाकर वोट डालने की अपील की। निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने बताया कि हमारे वार्ड में पूर्व सभासद ने कुछ भी काम नहीं किया है। हाल ही में नगर पालिका के सीमा विस्तार की वजह से ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे वार्ड में जुड़ गया है, वहाँ विकास की बहुत जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CK न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में सभी प्रत्याशी, चाहे वो किसी दल से हो या फिर निर्दलीय हो, अपने पूरे दमखम लगाए हुए हैं। चुनाव प्रचार अपना जोरों पर है, लगातार घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। वही लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो उनके बीच में जुड़े, उनकी समस्याओं का निदान कर सके। ज़रूरी नहीं कि ऐसे में कोई पार्टी दल से ही हो, निर्दलीय प्रत्याशी भी इसमें बखूबी रोल निभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 से नवीन गोयल जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। नवीन जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे जो जिससे आपकी जीत सुनिश्चित हो सके? वार्ड में मेन मुद्दा सफाई का है। वार्ड में मेन मुद्दा सफाई का है। हमारा वार्ड कृष्णापुरी, प्रेमपुरी, खंजापुर, हुशियारपुरी, काशीराम कॉलोनी, इन सब से ये वार्ड प्रथम 19 तैयार हुआ है और इसमें जो भी वार्ड में सबसे मेन समस्या है काशीराम कॉलोनी, जो कि जल भराव की वहाँ समस्या है, मेन समस्या। उसके बाद हमारे वार्ड में गंदगी, जो यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी नहीं आ पाते, उन्हें पूर्ण रूप से काम करना पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव के बाद ईश्वर की कृपा से हम जीत के जाएंगे और नगर पालिका कर्मचारियों से यहाँ पे वार्ड में पूर्ण रूप से सहयोग लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से इस बार वार्ड का विस्तार हुआ है, क्या ये एक प्रत्याशी के लिए अच्छा है या कहीं कुछ उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है? समस्या क्या है जी, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नया वार्ड जुड़ा है, अब हर जगह आदमी नहीं जा पाता, पता ही नहीं लग पा रहा कि वार्ड कहाँ से कहाँ तक कट चुका। हमारा अभी हुशियारपुरी का हिस्सा जो है वो अब भी रह चुका, इतने दिन हो गए हमें भी चलते हुए कंटिन्यू लगे हुए हैं वार्ड में, और सबके पास नहीं जा पा रहे। जिसके पास नहीं जा पा रहे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, विनती, क्षमा कि हमसे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी, लेकिन आने वाली 4 तारीख को कार के सामने मोहर लगाकर विजय बनाने का प्रयास करें। आपका बच्चा, आपका बालक आपके बीच ही रहेगा। अच्छा नवीन जी, जैसे कि देखने में आता है कि जो निकाय चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं और वोट डालने की एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है कि कहीं ना कहीं बैलेट पेपर को गलत तरीके से मोड़ देते हैं और उसका खामियाजा एक प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। ये बैलेट पेपर है, मेरा चुनाव चिन्ह कार है जो कि 3 नंबर पर है। मेरे चुनाव चिन्ह के सामने मोड़ लगाने के बाद जो भी प्रत्याशी के सामने मोड़ लगाओगे उसके बाद बैलेट को इस तरह नहीं मोड़ना, बैलेट को जो है इस प्रकार मोड़ना है जिससे कि ये वोट प्रत्याशी को पूर्ण रूप से विजयी दिलाने का प्रयास करे। ये आप लोगों से सभी से निवेदन है कि बैलेट मोड़ते समय ध्यान रखें कि कैसे मोड़ना है। अच्छा, जैसे आप सभी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं? नवीन गोयल जैसा। नवीन भाई साहब जैसा। क्या उम्मीद आप नवीन गोयल से चाहते हैं कि नवीन जीत कर आए तो आपके ये काम करें, किस तरह के आप काम चाहते हैं? ये है कि नवीन गोयल एक कर्मठ, जुझारू छोटा बालक है और वार्ड में अपनी सभी की समस्या को हल करेगा और ये भावी उम्मीदवार के रूप में आ रहा है और जो भी कार्य करेगा, पिछले जो भूतपूर्व मेंबर यहाँ पर रहे उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया और ना ही करने वाले थे। कोई अपने दमखम पर अपनी राजनीति चमका रहा था, मगर ये नवीन गोयल अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ कार्य करेगा, हमें उम्मीद है। देखिए, कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशी से, पुराने जो सभासद थे उनसे जनता नाराज़ है, कुछ कार्य, विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उससे उम्मीद लगाए हुए है। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 19 के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल। मैं निखिल गुप्ता CK न्यूज़ के लिए कैमरामैन शाहनवाज हुसैन के साथ में, देखते रहिए CK न्यूज़ को, जनता की आवाज़ सच के साथ।